शिखर और दिनेश लिफ्ट पर नजरें जमाए हुए हैं। लिफ्ट रुकने की आवाज आती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, शिखर की आंखों में चमक आ जाती है। एक परछाई दिखती है लिफ्ट में से और एक आदमी सूट पहने बाहर आता है। शिखर की आंखों की चमक जल्दी ही निराशा में बदल जाती है। शिखर गुस्से में डैशबोर्ड पर हाथ मारता है। ये नहीं है वो, शिखर दिनेश से कहता है। शिखर अभी भी कार में बैठा शुभचिंतक का इंतजार कर रहा है। एक झलक ही सही, पर इस बार शिखर ने उसे अपनी आंखों से देखा था। उसका नाम ना सही पर उसके इनिशियल अब उसे मालूम थे। उस लाइटर को देखता है जिस पर MMM लिखा हुआ है। शिखर का मन नहीं मान रहा था। उसका मन तो था कि वो खुद ऊपर जाकर उसे ढूंढ निकाले, पर वो रुक जाता है खुद को समझाते हुए कि इस बार आवेग में आकर वो कुछ नहीं करेगा। शिखर दिनेश से पूछता है, मेरे आने से पहले तुमने तो उसका चेहरा देखा होगा ना। दिनेश सिर हिलाता हुआ कहता है, मैंने भी बस वही एक झलक देखी है आपकी ही तरह। और ये सुन शिखर निराश हो जाता है। शिखर घड़ी देखता है तो पूरा एक घंटा हो चुका था। शिखर को अब चिंता होने लगी थी। दिनेश शिखर का चेहरा पढ़ लेता है और दिलासा देता हुआ कहता है, अरे चिंता मत करो, आएगा तो वापस यही ना। और इन बड़े लोगों का ऐसा ही होता है, इनका ना आने का टाइम होता है ना जाने का। लोग इंतजार करते रहते हैं पर ये किसी का नहीं। शिखर को दिनेश की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली तो मिलती है, पर उसकी चिंता कम नहीं होती। समय बिताते हुए शिखर दिनेश से पूछता है, वैसे तुम्हें पता कैसे चला शुभचिंतक के बारे में। दिनेश संकोच भरी आवाज में बोलता है, वो दरअसल मैंने बबीता का फोन टेप किया था। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है शुभचिंतक तक पहुंचने का, सिर्फ बबीता ही है जो उसे जानती है। शिखर सर हिलाता है। समय बीतता जाता है। शिखर फिर एक बार घड़ी देखता है। एक घंटा और निकल चुका था और शुभचिंतक अभी तक नहीं आया था। शिखर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ खुद उसे ढूंढने। दिनेश जो अभी भी गाड़ी में ही बैठा था और लगातार लिफ्ट की ओर देख रहा था, दिनेश कहता है, मैं भी साथ चलता हूँ। कहकर दिनेश भी कार से उतरने लगता है। तुम यही रहो, हम में से किसी एक का यहाँ होना जरूरी है। मैं ऊपर चला गया और अगर इस बीच अगर वो नीचे आ गया तो हमें जो इतनी मुश्किलों से एक मौका मिला है वो भी हाथ से चला जाएगा। दिनेश हाँ में सिर हिलाता है। इससे पहले शिखर गाड़ी का दरवाजा बंद कर वहां से निकलता, एक फोन की घंटी सुनाई देती है। शिखर दिनेश की तरफ देखता है। दिनेश अपना फोन बाहर निकालकर शिखर को दिखाता है। अगर शिखर और दिनेश दोनों में से किसी को फोन नहीं आया था तो ये किसका फोन था जो बज रहा था और कहां से ये आवाज आ रही थी। ये सवाल दोनों के अंदर एक खौफ पैदा करता है। आवाज कार के अंदर से ही आ रही थी। फोन दोबारा बजता है। दोनों इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ध्यान देते हैं और दिनेश ग्लव बॉक्स खोलता है। उसमें एक फोन रखा हुआ था जो बज रहा था। दिनेश शिखर की तरफ देखता है लेकिन शिखर समझ नहीं पाता। वो वापस आकर कार के अंदर बैठता है और दिनेश से फोन अपने हाथ में ले लेता है और रिसीव करता है। एक गहरी सी आवाज आती है, कोई फायदा नहीं है, वापस लौट जाओ, हर चीज का एक समय होता है, तो जब होना है तब ही होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद, तुम कितनी भी कोशिश कर लो उसे बदल नहीं सकते। मुझे जब मिलना होगा तब तुम्हें बुला लिया जाएगा। और अब जो मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। शिखर का फोन पिंग होता है। एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। तुम जब आज वापस होटल जाओगे, वहां पहुंचकर तुम्हें एक पार्टी आयोजित करनी है जिसके इनविटेशन पहले से ही शहर के खास लोगों के पास पहुंच चुके हैं। और इस पार्टी में मैं भी अपने कुछ खास दोस्तों को भेज रहा हूँ। ओबेरॉय के झगड़ा मोल लेने के बाद तुम्हारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारा ओहदा बढ़ेगा और तुम्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओबेरॉय के डर से जो लोग तुम्हारे साथ बिजनेस करने से कतराते हैं बहुत चलकर तुम्हारे पास आएंगे। ऐसी शानदार पार्टी दो जो शहर ने पहले कभी नहीं देखी हो। पैसे अकाउंट में पहुंच गए होंगे। एक बीप की आवाज के साथ फोन कट जाता है। शुभचिंतक शिखर के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। शिखर दोबारा वही नंबर डायल करता है पर कोई जवाब नहीं आता। शिखर गुस्से में फोन कार के फ्लोर पर फेंक देता है। उसे समझ नहीं आ रहा, क्या शुभचिंतक को पहले से पता था कि वो यहाँ आने वाला है? पर ये कैसे संभव था? ये बात तो सिर्फ वो और दिनेश जानते थे। और अगर शुभचिंतक ये बात जानता था तो उसने पहले ही फोन करके मुझे जाने को क्यों नहीं कहा? शिखर का दिमाग मानो ये सब सोचते सोचते फट रहा था। पीछे से दिनेश उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही।
कब तक बचेगा, कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा ही। शिखर सोचता है कि शुभचिंतक ने जो भी किया हो पर इस पार्टी वाले प्लान में दम तो है। होटल पहले से नुकसान में था और वो भी कुछ अच्छा ही चाहता था, और क्या पता शुभचिंतक के दोस्तों से उसका कोई सुराग मिल जाए। शिखर जोसेफ को फोन करता है और पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इंडिया के टॉप खानसामों का बनाया हुआ खाना परोसा जा रहा था। लाखों की कीमत की शैंपेन और शराब की बोतलें लेकर वेटर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसी चकाचौंध की आंखों पर काले चश्मे लगाने पड़ जाए। उन सब के बीच खड़ा था महंगा सूट चमचमाते जूते पहने इस होटल का मालिक शिखर, जो सभी मेहमानों से मिल रहा था और पार्टी में आने के लिए सबका शुक्रिया अदा कर रहा था। पार्टी तो शानदार ऑर्गेनाइज की आपने, रॉय फार्मास्यूटिकल्स के मालिक विमल रॉय शिखर से हाथ मिलाते हुए कहते हैं। एंजॉय कीजिए, शिखर जवाब देता है। होटल के बाहर एक लंबी रोल्स रॉयस आकर रुकती है और सबकी नजरें उस तरफ मुड़ जाती है। सारे मीडिया वाले उस गाड़ी को घेर लेते हैं। शिखर का ध्यान उस तरफ जाता है और वो जोसेफ से पूछता है, कौन आया है? जोसेफ बताता है, अरे आप नहीं जानते, सुपरस्टार करण कपूर, ये जिस चीज पर हाथ रखते वो सोना बन जाती है। इंडिया तो छोड़ो, पूरी दुनिया में इनके नाम की धाक है, कभी कभी फिल्म भी देख लिया करो सर। ये सुनते ही शिखर जोसेफ को आंखें दिखाता है। जोसेफ आंखें नीचे करता है, मानो जैसे उसने छोटा मुंह बड़ी बात कह दी हो। लेकिन ये जानकर शिखर को गर्व महसूस होता है कि इतनी बड़ी हस्ती उसके होटल में। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इतने बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। शिखर करण का स्वागत करने गेट पर जाता है। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और करण कपूर बाहर निकलता है। शिखर उसके सामने पहुंचता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय, मैं शिखर कांबले, इस होटल का मालिक। करण शिखर से हाथ मिलाता है। ओ, तो आप हैं शिखर, अच्छा लगा आपसे मिलकर, स्वागत है आपका, शिखर कहता है और करण को अपने साथ अंदर ले जाता है। दूसरी ओर ओबेरॉय अपने ऑफिस में बैठा इन सब का प्रसारण न्यूज में देख रहा था कि करण कपूर शिखर का हाथ मिलाते हुए उस होटल में उसके साथ जा रहा है। ओबेरॉय को यकीन नहीं होता, वो सोचता है कि ये शिखर, जिसे कोई जानता भी नहीं, उसकी पार्टी में करण कपूर जैसा बड़ा आदमी कैसे आ सकता है और वो शिखर को कैसे जानता है। उसने न जाने कितनी कोशिशें की कि करण कपूर ओबेरॉय ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, पर करण ने भाव तक नहीं दिया। न जाने कितने ही इनविटेशन ओबेरॉय ने उसे भेजे पर वो एक पार्टी में नहीं आया, और शिखर, जिसकी कोई औकात नहीं है, उसके एक बार बुलाने पर आ गया ये। यही सोचकर ओबेरॉय भागते भागते शिखर की पार्टी में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही जब अपनी कार से बाहर आता है, तभी जोसेफ उसे देखता है कि ओबेरॉय कार से उतरकर इसी तरफ चला रहा है। जोसेफ ओबेरॉय के पास जाता है और कहता है, इनविटेशन दिखाइए, बिना एंट्री अलाउड नहीं है। ओबेरॉय चढ़ जाता है, तुम आप मुझसे इनविटेशन मांगोगे, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? उससे मैं कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पीछे से आवाज आती है, जो सुनकर ओबेरॉय और चढ़ जाता है। शिखर चलता हुआ उसी की ओर आता है। शिखर का आत्मविश्वास आज सातवें आसमान पर था। ओबेरॉय के पास जाता है और कहता है, अच्छा होगा आप खुद ही यहाँ से चले जाएं, वरना खामखा मुझे सिक्योरिटी को आवाज देनी पड़ेगी। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भूलूंगा नहीं, इस अपमान का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। ओबेरॉय गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। हाँ ठीक है, देख लूंगा मैं भी, शिखर कहता है और जोसेफ की तरफ देखकर मुस्कुराता है कि ओबेरॉय जैसे घटिया इंसान के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, और वापस पार्टी अटेंड करने चला जाता है। अनन्या देखती है कि शीना भी तैयार होकर पार्टी में आई है और उसे पीछे से आवाज देती है, शीना। शीना रुक जाती है। अनन्या शीना को देखती है, अच्छी लग रही हो तुम भी, शीना जवाब में कहती है, चले। शीना अनन्या की तरफ देखती है और दोनों पार्टी में पहुंचने ही वाले होते हैं कि अनन्या फिर शीना को रोकती है और उसका हाथ पकड़कर एकांत में ले जाती है। मुझ पर एक मेहरबानी करोगी? क्या? शीना पूछती है। ये कैंसर वाली बात प्लीज तुम शिखर को मत बताना, मैं अभी उसे इस बारे में नहीं बताना चाहती, कुछ दिनों बाद सही मौका देखकर बता दूंगी, अनन्या कहती है। हाँ मैं समझती हूँ, मैं शिखर को कुछ नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ, शीना अनन्या को भरोसा दिलाती है। अनन्या कहती है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कहते हुए अनन्या शीना को गले लगा लेती है। अनन्या सोचती है शीना को बेवकूफ बनाना दुनिया का सबसे अच्छा काम है, कब से वो उसके रास्ते का कांटा बनी हुई थी जो अब उसने जड़ से उखाड़ फेंका था, अब उसके और शिखर के बीच कोई नहीं आ सकता। शिखर शीना को आता हुआ दिखता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। शिखर को याद आता है कि उस रात वो शीना की बात अधूरी छोड़कर नाइट क्लब से उठकर चला गया था। शीना ने
इतनी तैयारी की थी और उसने एक बार माफी तक नहीं मांगी। दोबारा पूछा भी नहीं कि वो क्या कहना चाहती थी। शिखर शीना के पास जाने को कदम बढ़ाता है और देखता है जैसे ही शीना शिखर को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, अपना रास्ता बदल लेती है और अनन्या शिखर के सामने आ जाती है। हैंडसम लग रहे हो, अनन्या शिखर से कहती है। हाँ, शिखर अनन्या की तरफ बिना देखे ही जवाब देता है। शिखर का ध्यान शीना पर था, उसने सुना भी नहीं अनन्या ने उससे क्या कहा। करण कपूर शीना को दूर से देखता है और उसके पास चलता हुआ आता है। शीना करण कपूर के सामने खड़ी थी। शीना अपना हाथ आगे करती है और करण कपूर उसके हाथ पर किस कर रहा था। शीना ऐसे हंस रही थी जैसे करण ने उसे कोई चुटकुला सुनाया हो। शिखर बस दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। शिखर को ये बात अंदर ही अंदर खल रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऐसा उसे लग रहा है। अनन्या, जिससे लगता था कि वो प्यार करता है, वो उसके सामने खड़ी थी और उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, पर शीना को किसी और के साथ देखकर उसका दिल जल रहा था। शिखर सोचता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि शीना वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, ना कि अनन्या? ये बात उसे अंदर से कुरेद रही है, लेकिन उसके मन के सवाल उसे कंफ्यूज कर रहे थे। शिखर खुद से कहता है, उस रात ये कहकर भी कि उसे शिखर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, वो आज उसके सामने खड़ा था और शीना उससे मिली भी नहीं। पर सही तो है, कोई भी होता तो यही करता। कहां करण कपूर सुपरस्टार और कहां वो, इतनी बड़ी हस्ती के सामने वो तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर उसके पास ये पैसे न होते तो वो आज भी इंश्योरेंस बेच रहा होता या पिज्जा डिलीवर कर रहा होता। शिखर सोच ही रहा है कि माइक पर एक अनाउंसमेंट होती है, एक स्पॉटलाइट पड़ती है। करण कपूर के हाथ में माइक था। पेश करता हूँ मेरी ही फिल्म का एक मशहूर गाना, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। लोग उत्साहित होकर तालियां बजाते हैं और करण कपूर के गाना शुरू करते ही समा बन जाता है। गाने पर लोग झूमने लगते हैं, वहां मौजूद कपल एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाच रहे हैं। करण कपूर शीना के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे नाचने के लिए पूछता है। शीना भी हाँ करके उसके साथ चली जाती है। शिखर के दिल को मानो धक्का लगता है और वो खुद को आज कितना भी समझा दे, कितनी भी तसल्ली दे, पर उसकी तकलीफ कम नहीं होने वाली थी। लेकिन इससे एक बात तो साफ थी कि शिखर को शीना से प्यार हो गया था जो अब किसी और की बाहों में थी। शिखर सोचता है कि शायद जब लोगों को बेहतर चीज मिल जाती है तो वो पुरानी चीज भूल जाते हैं, पर शीना इतनी जल्दी कैसे भूल सकती थी? उस वक्त तो मैंने अपना सब कुछ सिर्फ शीना के लिए दाव पर लगा दिया था। पर शिखर का मन ये मानने को तैयार नहीं था, शीना को वो किसी और के साथ नहीं देख सकता था। शिखर एक वेटर को रोककर विस्की का एक ग्लास उठाता है और एक ही सुर में पी जाता है। कुछ पल बाद शिखर का दम घुट रहा था, ये सब चकाचौंध उसे अब फीकी लग रही थी। वो सांस लेने भागता हुआ होटल के बाहर आता है और तेज सांसें लेने लगता है। उसकी आंखें भी भर आई थी। अपने ख्यालों को बटोरता हुआ वहीं आसपास चलने लगता है। काफी समय तक शिखर वहीं रहता है। बार बार उसके मन में जब शीना उस फिल्म स्टार के करीब थी वही छवि आ रही थी। तभी उसके होटल का एक वेटर भागता हुआ उसकी ओर आता है, जिसे देख शिखर को ताज्जुब होता है, क्योंकि उस वेटर के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और माथे से एक पतली सी खून की धारा बह जा रही थी। शिखर के पूछने पर वेटर बताता है, सर वो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया। वेटर घबराते हुए कहता है, हुआ क्या, बताओगे क्या कोशिश की, क्या नहीं बचा पाए? शिखर वेटर को दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछता है, वो करण सर को कुछ लोग किडनैप करके ले गए। करण कपूर की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था, या करण कपूर किसी बड़ी साजिश का मोहरा था? और क्या शिखर को पता चल पाएगा कि शीना भी उससे प्यार करती है? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलिनेयर डिलीवरी बॉय।